दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको वस्तुओं और प्रश्नोत्तर बता चुका हूँ इस चैप्टर के, ओके। तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, ओके। तो तैयारी जीत की, अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन आते अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर जो कि 2 अंकी वाले प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं, ओके। पहला है हमारा क्वेश्चन, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, ओके। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, वस्तुनिष्ठ में ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो मूल आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहा जाता है, इसका मान कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ओके। याद रखिएगा एक वाक्य में या दो नंबर पे ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ओके। तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेंगी जो कि असंभव है, ओके। साथ ही दोस्तों आपको तैयार करना है विद्युत बल रेखाएं उनके गुण, ओके। तो हम समझ लेते हैं विद्युत बल रेखा क्या होती हैं, इस प्रकार से होता है आपका विद्युत बल रेखा, ओके। समझ लीजिए तो तार है, इसमें ये हो जाता है प्लस आपका धनात्मक और ये आपका ऋणात्मक सिरा, ओके। तो जो आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ से निकलती हैं, धनात्मक से निकलती हैं और ऋणात्मक की ओर जाती हैं, ओके। धनात्मक से निकलती हैं ऋणात्मक की ओर जाती है इस ओर, ओके। धनात्मक से निकलती हैं और क्या ऋणात्मक की ओर जाती हैं, ये उनकी विशेषताएं होती हैं। और जो आपकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती है, चालक पृष्ठ की अभिलंबत होती हैं और इस प्रकार से धनात्मक मैन इसका पॉइंट आपका रहेगा धनात्मक से लेकर क्या ऋणात्मक की ओर निकलती है, इसमें बहुत सारी निकलेंगी और बाहर की ओर भी इस प्रकार से निकलेंगे, ओके। लेकिन इनकी दिशा क्या होगी, क्योंकि धनात्मक से यहाँ निकलती हैं तो ये दिशा होगी, ऋणात्मक में क्या होती हैं आती हैं, ओके, अंदर की ओर आती हैं, तो इस प्रकार से ये दिशा होगी, ओके। तो अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो इसलिए अगर कहीं भी अगर ये रेखाएं कभी भी नहीं काटती, इसके क्या समांतर होती हैं, ओके। अगर ये काटती हैं अगर आपस में तो यहाँ पर क्या 2 दिशाएं होंगी, ओके। इस प्रकार से यहाँ 2 दिशाएं दिखाई जाएंगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये दिशाएं ये जो होती हैं रेखाएं वो क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती हैं। लेकिन अगर कहीं ये काटती हैं तो उसके बाद 2 दिशाएं दिखाएगा जो कि क्या है संभव नहीं है, यही कारण है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी आवेश चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या है विद्युत क्षेत्र को आपको बताना है, विद्युत विभव को बताना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो चूंकि आवेश चालक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं हो रहता है, अतः आवेश चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या है शून्य होता है, जबकि आवेश चालक के भीतर क्या है विद्युत विभव क्या है नियत रहता है, ओके। तो विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें आवेश चालक के अंदर तो शून्य होता है, और अगर उसके आवेश चालक के भीतर अगर विद्युत विभव की बात करें तो क्या है नियत होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा एक अंक यानी 1 कूलाम आवेश को क्या है परिभाषित कीजिए। तो 1 कूलाम आवेश क्या होता है, एकांक या 1 कूलांग आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए अपने बराबर के समान आवेश को 9×10⁻⁹ न्यूटन के बल में क्या है प्रतिकर्षित करता है, ओके। कूल अगर आपने क्या है कूलाम का भी नियम पढ़ा होगा उससे आप क्या है निकाल सकते हैं इस परिभाषा को, ओके। नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएँ, ओके। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आपकी विशेषता लिख सकते हैं, पहले यही मैं आपको समझा चुका हूँ, जो भी मैंने समझाया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या है धन आवेश से चलकर क्या है ऋण आवेश की ओर क्या है समाप्त तो होती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर बिंदु पर क्या है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करती हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबत होती हैं। साथ ही दोस्तों आप क्या है विद्युत क्षेत्र रेखा की और भी ये भी विशेषता बता सकते हैं कि जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो खींची विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में क्या सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ओके। तो ये बहुत सारी सी क्षेत्रीय विशेषताएं, लेकिन आपको क्या है विद्युत क्षेत्र की केवल 2 अच्छे से आपको विशेषता तैयार रखना है, ओके। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ओके। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो सबसे पहले तो आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए, ओके। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स आपका क्या होता है, कोई भी आपका विद्युत क्षेत्र है, ओके। तो विद्युत क्षेत्र में अभिलंब विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से, ओके, कोई भी कोई पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली रेखाएं, ओके, अभिलंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ओके, ये आपके अभिलंबत गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं हैं उनकी संख्या उनकी कुल संख्या आपकी क्या है विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो आपकी है विद्युत फ्लक्स आपकी कहलाती है, ओके।
और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो रेखाएं होती है वो क्या है, लंबवत निकलनी चाहिए, मतलब सीधी निकलनी चाहिए, ओके। ये तो ये होता है आपका विद्युत फ्लक्स। इसका अगर आप फिक्स अगर आप पूरा वैल्यू निकालते हैं तो विद्युत फ्लक्स का आपका मान क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है आपका, ओके, विद्युत फ्लक्स बराबर आपका हो जाएगा ई, आपका हो जाएगा यहाँ डीएस, ओके, इस प्रकार से, ओके, ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें ये वैल्यू क्या है, तो आपका यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये होता है आपका फॉर्मूला, ओके, विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स का आपका फॉर्मूला, जिसमें ये जो संकेत है ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन बता रहा है। डीएस क्या है, पृष्ठ का अवयव बता रहा है, ओके। और डीएस के दिया गया एक छोटे हिस्से की बात की जा रही है, ओके, एक हिस्से के निकाला जाएगा, ओके, पर टोटल का क्या समाकलन किया जाएगा, तो जब समाकलन कब किया जाता है, जब टोटल चीज़ को निकालना पड़ता है, ओके। तो एक छोटी चीज़ निकाल लेते हैं, फिर छोटी चीज़ का हम पूरा समाकलन कर देते हैं, तो कुल चीज़ हमारी निकल आती है, इस प्रकार से आपका बताया जा रहा है, ओके। अब इसका हम क्या है समाकलन करते हैं, तो डी ये उसका समाकलन करेंगे तो हमारे इसका हट के क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ हो जाएगी आपकी 90 डिग्री, क्यों हो जाएगी, पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो अपनी क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा है वो समांतर है, ओके, समांतर की कंडीशन में जो कोण बनेगा 90 डिग्री होगा, वैल्यू हम कॉस 90 का मान रखेंगे 0, सब 0 हो जाएगा, ओके। तो ये इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, ओके, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि सिद्ध हमने किया है कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान 0 होता है, 2022 में आ चुका है, ओके। सिंपल है, विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको क्या है फॉर्मूला लिखना है, उसकी आपको क्या है फिर यहाँ बताना पड़ेगा कि इसका क्या है समांतर निकल रही है रेखाएं, इसलिए क्या है जो कोण बनेगा वो क्या है आपका 90 डिग्री का रहेगा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे और आपका निकल आएगा, इस प्रकार से आपको बताना है, ओके, 2 से 3 लाइन में आपको समझा देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, मूल आवेश क्या होता है, ओके। तो आवेश का क्वांटीकरण हम जान लेते हैं क्या होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल भाषा में दिया हुआ है और शॉर्ट में आए तो एक लाइन में केवल आपको बताना है कि आवेश का अगर एक लाइन में पूछा जाए आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणा होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये लाइन बस आपको याद रखनी है, अगर एक वाक्य में आ रहा, दो नंबर में आ रहा, तो केवल आपको इतना लिखना है, ओके। लॉन्ग में लेकिन आपको समझना चाहते हैं अच्छे से, तो वो पूरा डिटेल से दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर क्या है नाभिक होता है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ओके। कोई भी पदार्थ है वो क्या है परमाणु से मिलकर बना हुआ है, बीच में क्या है आपका नाभिक है, इसके बाद जो कक्षाएं हैं उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ओके। तो ये सब पूरा आपका बताया जा रहा है, जो इसमें धनावेशित होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या है आवेश रहित होते हैं, ओके। जबकि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या है घूमते रहते हैं, ये सिंपल बात है जो कि हम क्या अच्छे से जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना ये क्या है प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ओके। तभी क्या है जो परमाणु होता है वो उदासीन बना रहता है, ओके। इसी के कारण क्या है परमाणु उदासीन बना रहता है। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाते हैं तो पहले पदार्थ में क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, ओके। सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, ओके, तो क्या है इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, कौन बढ़ता जाएगा, तो धनावेशित बढ़ता जाएगा, ओके। लेकिन दूसरा जो पदार्थ है उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही जा रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है यानी ऋणावेश की अधिकता होती जा रही है, तो वो जो पदार्थ है वो क्या है ऋणावेशित हो जाता है, ओके। इसलिए हम जब इसमें इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पदार्थ के बाहर और या अथवा उसके पदार्थ के बाहर जाते हैं तो 1, 2, 3 आदि की संख्या में जाते हैं, ओके। ऐसा नहीं कहते कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, ओके, डेढ़ इलेक्ट्रॉन चला गया, ओके, हम पूरा कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो ये हम बात करते होंगे। इस तरह इसका अर्थ हुआ कि कभी भी आधा, डेढ़, ढाई, 3.5 इलेक्ट्रॉन का आना जाना नहीं होता, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण संख्या होती है, इसे क्या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये पूरा क्या है एकदम समझाने के लिए बस दिया हुआ, लेकिन आपको बस एक लाइन याद रखनी है, ओके। फिर पूछ लिया जाता है मूल आवेश क्या है, तो मूल आवेश को भी समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अभी हम क्या अति लघुत्री में ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, इसका वैल्यू क्या होती है, तो इसका मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ओके। तो ये भी आपको तैयार रखना है, कंप्लीट हो जाता है, ओके। दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट मटेरियल पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12th के फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको क्या है जो जो मिलना है मैंने आपको बता दिया है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 84 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ओके। आगे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, आगे अब जो क्वेश्चन आ रहे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ओके। 3 क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा जिन्हें आपको इस चैप्टर से अच्छे से तैयार करना है, लॉन्ग में आपसे पूछे जाते हैं, ओके। तो पहला तो है आपका इसमें कि विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त किए 2020 में आ चुका है, 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका आया था, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे हम समझ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्तों इसमें इस प्रकार से दिया हुआ, ओके।
लेकिन मैंने अपनी भाषा में लिखा है तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो हम समझ लेते हैं, पहले अच्छी स्थिति में पूछा जाता है कि अच्छी स्थिति क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसे और बढ़ाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या है, विद्युत ध्रुव क्या होता है। विद्युत ध्रुव क्या होता है कि एक ऐसा जिसमें क्या है ए और बी पॉइंट हो और एक पॉइंट में क्या है धनावेश है तो दूसरे में ऋणावेश है, ओके, और कुछ दूरी पर स्थित हो, ओके, एक मतलब विजातीय आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो तो ये हमारा विद्युत ध्रुव कहलाता है, ओके। विद्युत ध्रुव समझ चुके हैं। अच्छी स्थिति क्या है, इसके अच्छे पर मतलब एक ही अच्छे पर, ओके, तो इसको हमने इसको अच्छे को थोड़ा इस प्रकार से डॉट डॉट करके बढ़ा दिया, ओके। तो इस अच्छे पर कोई समझ लीजिए बिंदु कोई पी है, ओके, तो इस बिंदु पर हमें क्या है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमने क्या है विद्युत क्षेत्र क्वेश्चन यही हमारा लिखा हुआ कि विद्युत ध्रुव में अच्छी स्थिति पर अच्छी बना दी, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु कोई बिंदु हमने पी मान लिया, इस पर हमें क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ओके। तो ये हमने समझाना ही पड़ेगा आपको, आपको क्या अच्छी स्थिति क्या है। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है होता है बढ़ाएगा तो द्विध्रुव अच्छे पर होता है तो उस स्थिति को क्या है विद्युत बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति कहते हैं, अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, ओके। ये हो जाता है, ये इस प्रकार से आपका डायग्राम रहने वाला है, ओके। तो चलिए हमें समझ लेते हैं, तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, ओके। अब देख लेते हैं इसको किस प्रकार से हमें निकालना है। तो हम माना क्या है कि माना ए बी क्या है विद्युत ध्रुव है, हमने ए मान लिया कि ए बी क्या है विद्युत ध्रुव है और जो कि क्या है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, ओके, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है ओके। और उसके बीच की जो दूरी है वो क्या है 2a है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a है। तो यहाँ अगर मैं पूछूँ AO की दूरी क्या हो जाएगी तो a हो जाएगी, ओके, इस साइड भी a हो जाएगी, ओके, और टोटल अगर AB की दूरी पूछी जाएगी तो 2a हो जाती है, ओके। तथा के परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, अल्प बिंदु O से R की दूरी पर बिंदु P है, ओके, बिंदु P यहाँ आपका दिया हुआ है R दूरी पर, ओके, तो यहाँ से R दूरी पर इस साइड से, तो P से O तक की जो दूरी हमने मानी है वो क्या मानी है R मानी हुई है, ओके। इसमें भी हम दिखा देते हैं, इस टाइप से हो जाएगा आपको, ओके। आगे देख लेते हैं, तो और जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या है ज्ञात करनी है, बिंदु पी पर हमें क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो हमने बनाया है इस क्षेत्र में वो हमें क्या है पहले समझाना पड़ता है, ओके, इसके बाद फिर पूरा सॉल्यूशन हमें लिखना पड़ता है, ओके। देखिए बिंदु ए पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, ओके, अगर यहाँ बिंदु ए पर क्या कौन सा आवेश है प्लस क्यू, ओके, यानी क्या धनात्मक आवेश है, तो इसके कारण जो क्या होगा इसके कारण जो क्या है आपको बिंदु पी पर जो तीव्रता आएगी वो किस साइड हो जाएगी तो इस साइड जाएगी, ओके, इस बाहर की ओर जाएगी, धनावेश के कारण क्या होती है बाहर की ओर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी इस टाइप से, ओके। तो ये हम निकालेंगे E1, तो हो जाएगा 1/4 πε0 के इक्वल टू क्यू अपॉन ये R² होता है, ओके, ये R² होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है ये फॉर्मूला होता है और R² होता है, तो R यहाँ R के हमारा क्या दिया हुआ है तो R हमारे हुआ AP हो जाएगी हमारी A और P ये दूरी होगी हमारी, ओके, तो ये हमारी ऐसी दूरी, ओके, तो दूरी हमें यहाँ R² लिखना है तो यहाँ दूरी हमारी क्या है AP है, तो AP का स्क्वायर हमने लिख दिया, ओके, किसके अनुदिश से AP के अनुदिश से A से P के अनुदिश मतलब इस ओर बाहर की ओर हमें अनुदिश होगा, ओके, इस हो जाता है। अब इसी प्रकार से सेम हमें करना है बिंदु Q, अभी क्या है बिंदु A में धनावेश के कारण तीव्रता निकाली है, अब बिंदु B पर क्या है ऋणावेश के कारण हम क्या है तीव्रता इसी प्रकार से निकालेंगे, ओके। इससे पहले हमने क्या किया AP का अगर हमें वैल्यू भी रखना पड़ेगा तो AP का हमने मान निकाल लिया, तो AP का यहाँ से हमें क्या निकालना A और P का मान निकालना है, तो AP का मान क्या हो जाएगा अगर दोस्तों हम क्या है OP में से अगर हम OA घटाते हैं OP में से हम क्या है OA घटाते हैं तो हमारा क्या है हमें क्या मिलता है AP मिल जाता है बस, तो OP को हमने क्या माना है R है, ओके, और यहाँ हमारे जो दिया हुआ है OA की वैल्यू क्या हमारे पास A है, तो R - A हमारी AP की वैल्यू निकल आती है, बस वही जो हमने अभी माना है आपका इस पर हम क्या है वैल्यू पुट कर देंगे, ओके, AP का स्क्वायर लिखा था तो उसमें हमने क्या लिख दिया R - A का स्क्वायर लिख दिया, ओके, अब इसको हमने क्या है इक्वेशन बन नाम दे दिया। इसी प्रकार से अभी हमने क्या है बिंदु B पर क्या है जो -Q आवेश है उसके कारण भी क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी बिंदु P पर, ओके, लेकिन वो क्या है अंदर की ओर निकलेगी तो हो जाएगा P और B के अनुदिश इस साइड के अनुदिश हो रहा है, ओके, अंदर की ओर जाएगी, तो बस इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा फॉर्मूला यही रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/ आपका 1/4 πε0 के क्यू अपॉन R², अब R यहाँ R की वैल्यू क्या है तो BP का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, B और P ये हमारी हो जाएगी पूरी दूरी इतनी बड़ी दूरी हो जाएगी क्योंकि BP का स्क्वायर बस, ओके, अब इसको BP का निकालेंगे वैल्यू, BP की वैल्यू हमारी क्या किस प्रकार से निकलेगी OP + OB चित्र में हम देखते हैं OP + OB को मिलाते हैं OP और OB को मिलाते हैं, ओके, तो ये हमारी निकल जाती है पूरी BB, ओके। अब हमारा OP की वैल्यू क्या है R और OB की वैल्यू क्या है A, दोनों का हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन R + A, ओके, ये हमारी निकल आती है, बस इसको हम क्या है पुट कर देंगे इसी में, ओके, BP के स्थान पर लिख रहे हैं R + A का स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन 2, ओके, इस प्रकार से हो जाता है हमारा ये कंप्लीट यहाँ तक, ओके।
अब हमें निकालना है इसकी परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी तीव्रता में क्या है, हमें बड़े में से क्या है छोटे को हटा देना है। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं इक्वेशन एक है बड़ा है किससे, इक्वेशन दो से। तो परिणामी जो तीव्रता निकलेगी हमारी टोटल, ओके, वो हम हो जाएगा E1 माइनस E2। बस E1 माइनस E2 जो भी हमारी इक्वेशन बनी है उनको हम क्या माइनस कर देंगे। ओके, अब माइनस करेंगे तो अब इस प्रकार से यहाँ पूरा माइनस कर देंगे, फिर दोनों में से हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 1/4 pi epsilon नॉट की जो कॉमन है इसको कॉमन ले लेते हैं हम इस प्रकार से। ओके, यहाँ हम क्या है एलसीएम करके निकालेंगे। ओके, एलसीएम कर देंगे इस साइड से, आगे देख लेते हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबके क्या है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a+b² a - b² लिख देंगे। ओके, यहाँ हमने क्या है सभी के फॉर्मूला लगा दिए हैं, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ r² से r² हो जाएगा। ओके, a² से a² बचेगा, केवल प्लस का 2ar और प्लस का 2ra बचेगा आपका। ओके, दोनों ऐड हो जाएगा तो 4ra आपका बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक हो जाता है आपका। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने क्या माना है कि जो a है बहुत ज़्यादा छोटा है r से। ओके, यानी जो हमारा जो a, ये a की जो वैल्यू है हमारी, ओके, यानी जो हमने विद्युत द्विध्रुव माना है, मान लिया बहुत ज़्यादा छोटा है, विद्युत द्विध्रुव क्या है बहुत ज़्यादा छोटा है किसके r की तुलना में। ओके, तो इसलिए हम क्या है a² यानी a को वैल्यू या a² हो जाता है। ओके, तो a को हम क्या है यहाँ a² को क्या है बहुत ही ज़्यादा कम मानेंगे। ओके, मतलब इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ओके, तो इसको करके हमें क्या है गायब कर देना है उसको, मतलब कोई मतलब मतलब नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हमने यहाँ मान लिया है। ओके, तो यहाँ से a² हमारा क्या है गायब हो जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ r² बस सिंगल बचेगा, फिर हमारा क्या है r की घाती 4 हो जाएगा क्योंकि बाकी एजेट यहाँ चलता ही जा रहा है। ओके, अब यहाँ r से ऊपर है यहाँ r की घाती 4 है, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा r की घाती 3 बच जाएगा। ओके, अब यहाँ आपको क्या है 4a को किस प्रकार से लिखते हैं, 4a³ बचता है हमारा। ओके, तो 4a³ को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2a³। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्या होता है आपका विद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है 2a³ होता है, 2a³ होता है, तो ये हमारा बन जाता है। यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे, 2a³ के स्थान पर हम क्या है p लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या 2 ऑलरेडी था और p हमारा बन जाता है। ओके, तो ये हमारा निकाल आता है आपका किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश रूप में अगर लिखना भी चाहें तो बस इसमें क्या है वेक्टर लगा देंगे, e पर वेक्टर लग जाएगा और p पर आपका वेक्टर लिख जाएगा। अगर निर्वात अगर हम यहाँ एक मान लेते हो कि k = 1 तो फिर हमारे इस प्रकार से होगा, बाकी ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी निरअच्छी स्थिति में। ओके, अभी हमने जो देखा था पढ़ा था, ओके, व्यंजक निकाला था वो अच्छी स्थिति के लिए था। अब हम विद्युत द्विध्रुव की निरअच्छी स्थिति में क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका। ओके, इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। ओके, पहले तो हमें विद्युत द्विध्रुव बताना है। ओके, फिर इसके बाद हमें इसको क्या है व्यंजक को सॉल्व करना है। ओके, किस प्रकार से करना है इसको भी हम क्या है समझ लेते हैं। इसमें बाकी इस प्रकार से दिया हुआ, लेकिन जो मैंने अपनी भाषा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उससे मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका ये पूरा दिया हुआ है। ओके, देख सकते हैं आप, तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, देख लेते हैं। तो निरक्षी स्थिति में हमें निकालना है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि निरक्षी स्थिति क्या है। बाकी विद्युत द्विध्रुव मैं आपको बता चुका हूँ कि विद्युत द्विध्रुव क्या है आपका, तो विद्युत द्विध्रुव आपका क्या होता है कि आपका कोई भी आपके दो बिंदु है, ओके, जिसमें क्या है विजातीय आवेश होता है और वे क्या है अल्प दूरी पर अगर स्थित हो तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। ओके, अब यहाँ अच्छी स्थिति में आपको बता चुका हूँ कि अगर एक ही अच्छे पर इसे अगर अच्छे बढ़ाते हैं हम किसी भी साइड और उस पर कोई पॉइंट आता तो वो कहलाता है इस विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर। निरक्षी स्थिति में क्या होता है लंबवत स्थिति, लंबवत स्थिति को क्या है हम निरक्षी स्थिति कहते हुए। तो यहाँ हमने कोई इसकी लंबवत, ओके, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ए बी कोई क्या है विद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबवत स्थिति पर हमने कोई बिंदु पी मान लिया। ओके, ये इसकी लंबवत स्थिति है। ओके, लंबवत स्थिति पर कोई बिंदु पी मान लिया है, इसी बिंदु पर हमें क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हमारा निरक्षी स्थिति का डायग्राम। ओके, इस प्रकार से तो जब कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र में यहाँ ओ मान लिया, ओके, केंद्र से गुजरने वाले तथा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा में स्थित होता है तो इस स्थिति में बिंदु को हम क्या है विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षी स्थिति कहते हैं। ओके, तो उसकी क्या है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत स्थिति पर कोई बिंदु है तो ये हमारे क्या निरक्षी स्थिति कहलाएगा। आई होप आप पहले निरक्षी स्थिति समझ गए होंगे, डायग्राम आपका इस पूरे सॉल्यूशन किस प्रकार से रहेगा। ओके, चलिए हम इसका हम क्या है पूरे अच्छे समझ लेते हैं किस प्रकार से क्या रहने वाला है। तो अब माना जो हमने चित्र बनाते हैं इसको हम क्या दो तीन लाइन में क्या है एक्सप्लेनेशन भी उसका करना पड़ता है। ओके, तो माना ए भी क्या है विद्युत ध्रुव है जिसमें क्या है प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना हुआ है, द्विध्रुव के लंबवत स्थिति पर एक बिंदु क्या है पी है जिस पर क्या है तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ओके, जो कि मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ विद्युत ध्रुव ए भी है जिस पर क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू है और इसके लंबवत स्थिति पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो जिस प्रकार से हमने क्या है अभी अच्छी स्थिति में निकाला था सेम इसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा सा है। ओके, तो बिंदु अब यहाँ बिंदु ए पर क्या है प्लस क्यू आवेश। ओके, तो धनात्मक प्लस आवेश के कारण क्या है बिंदु पी पर क्या है तीव्रता आएगी, तो बिंदु पी पर तीव्रता क्या होगी बिंदु ए के कारण,
मतलब बिंदु ए पर प्लस क्यू के कारण ओके धनात्मक आवेश कारण ईवन बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला 1/4πε0 = q/r² यानी क्या होता है r² ओके तो r के यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी ap दूरी कितनी है a और p ap ओके तो ap का स्क्वायर हो जाएगा अभी किसके अनुदेश होगा तो ap के अनुदेश होगा आपकी बाहर की ओर जाएगा ओके इस प्रकार से अब इसी प्रकार से हम क्या है बिंदु B के लिए निकाले क्योंकि बिंदु B पर क्या है माइनस क्यू तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या है बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी सेम वही हो जाएगी बस लेकिन दूरी इसमें क्या हो जाएगी इसमें BP हो जाएगी क्योंकि इसमें दूरी क्या है BP है ओके ये दूरी है इसके लिए किसके लिए माइनस क्यू के लिए ओके ये हो जाएगा और ये किसके अनुदेश होगा PV के अनुदेश अंदर की ओर होगा इसमें अंदर की ओर होता है ओके इस प्रकार से माइनस क्यू में क्या अंदर की ओर तीव्रता होती है जबकि इसमें क्या है बाहर की ओर जाती है धनात्मक में बाहर की ओर जाती है जैसा कि हमने कहा है अभी अच्छी स्थिति में समझाते हो अब हम बिंदु पी पर क्या है परिणामी हमें तीव्रता निकालनी की बिंदु पर पी पर क्या है परिणामी तीव्रता क्या आएगी तो हमारी जो दोनों तीव्रता है उनका योग हो जाएगा ओके तो यहाँ ईवन का अब यहाँ कॉस थीटा कैसे आ गया ओके तो कॉस थीटा यहाँ जो हमारी परिणामी दिखे या इसके कारण जो आपका प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो इस साइड है ओके आपका और जो आपका ऋणात्मक आवेश के कारण जो तीव्रता है वो इस साइड है ओके एक इस साइड तीव्रता जा रही है इस साइड तीव्रता आ रही है इसकी जो अगर हम कहें इसकी परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो इस साइड हमारी जाएगी ओके ये हमारी परिणामी तीव्रता हो जाएगी इस साइड अब इस साइड परिणामी तीव्रता आएगी तो यहाँ जो कोण बनते हैं ओके कोण बनते हैं तो ये इसके क्या है लंबाई तक हम डालते हैं ओके तो फिर हमारा क्या है कॉस थीटा निकल के आता है यहाँ से ओके तो ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ओके ये हमारा हो जाएगा अब E1 = हमारा E2 हो जाएगा E1 = हमारा क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा क्योंकि देखिए आवेश तो दोनों के अलग अलग हैं लेकिन दूरियां तो दोनों की क्या है समान है दूरियां की दोनों की क्या है समान है E1 के लिए भी इसके लिए E2 के लिए भी दोनों की दूरियां क्या है समान है इसलिए हमारा क्या है E1 = E2 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा E2 के स्थान पर E1 लिख सकते हैं टोटल हमारे निकल के आएगा 2E1 cos थीटा ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाता है अब इसमें हम क्या है वैल्यू पुट कर दे किसकी E1 की जो हमने वैल्यू है वो हमें यहाँ क्या है समीकरण एक से हम क्या है निकाली थी वो यहाँ रख देंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है ओके यहाँ तक हम समझ गए होंगे अब यहाँ इसमें क्या है AP की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और साथ ही साथ हमें क्या है cos थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तब इसमें हम क्या है पुट कर देंगे तुम्हारा आंसर इसमें आ पाएगा ओके तो AP का निकालना है तो AP का हमें किस प्रकार से निकलेगी दूरी ओके मतलब वैल्यू तो यहाँ हम देख लेते हैं हमें क्या निकालना है AP निकालना है तो AP में यहाँ क्या देख सकते हैं ये त्रिभुज बन रहा है ओके आप AOP त्रिभुज देख सकते हैं हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर = हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा बस इनकी वैल्यू पुट कर देंगे ओके तो AP का स्क्वायर = हो जाएगा OA का स्क्वायर OA हमारे यहाँ क्या है OA यहाँ क्या है A है ओके A का तो A का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर यानी क्या है R का स्क्वायर तुम्हारा AP का स्क्वायर की वैल्यू क्या जाती है A² प्लस R² निकल आती है ओके अगर सिंपल हमें केवल AP का मान अगर चाहिए पड़ेगा तो AP का मान क्या आ जाएगा इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा ओके इस प्रकार से हो जाएगा तो AP² का वैल्यू मिल गई हमें AP का भी वैल्यू मिल गई ओके तो चलिए देख लेते हैं अब यहाँ AP² की हमें क्या है वैल्यू पुट ये कर देंगे ओके और AP का हमने क्यों निकाला अभी हमें क्या है कॉस्ट थीटा जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या AP की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए हमने AP भी निकाल लिया है ओके तो अब हमें कॉस्ट थीटा निकाल लेते कॉस्ट थीटा की मान हमें चाहिए पड़ेगा तो कॉस्ट बराबर क्या होता है आधार बटे आपका होता है कर्ण होता है ओके तो यहाँ देख सकते हैं आधार हमारा क्या है आधार हमारा इस त्रिभुज में क्या है OA है तो OA बटे अब कर्ण तो कर्ण क्या है AP है OA बटे हो जाएगा आपका AP ओके OA का मान हमारा क्या है OA का मान हमारा है A ओके स्मॉल A हो जाएगा AP की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है AP की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाली है √A² + R² तो ये हमारा cos थीटा की मान आ जाता है साथ ही हमें क्या है AP के स्क्वायर का भी हमने क्या है वैल्यू निकाली तो अभी हमने जो AP स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है cos थीटा की वैल्यू निकाली है वो हमें क्या है समीकरण में रख देनी ओके तो हमने क्या है यहाँ पुट कर दिया आप देख सकते हैं हमने गैप लिख दिया है ओके cos थीटा की वैल्यू रख दी है साथ यहाँ AP² की वैल्यू रख दी है ओके अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है यहाँ से रूट से क्या है स्क्वायर कट जाएगा तो ये आपका बस अंदर बस का बचेगा स्क्वायर प्लस R² बचेगा यहाँ इसको हम क्या रख सकते हैं अगर हमें इसको रूट को हटाना है तो रूट का मतलब क्या होता है रूट का मतलब होता है इसकी पावर में 1/2 तो हमने लिख दिया इसको हम सॉल्व करेंगे ओके तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं आधार यहाँ का समान है तो 1+ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आपका 3/2 ओके इस प्रकार से आप देख सकते हैं अब जो यहाँ पी का होता है पी की वैल्यू हम जानते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण का क्या मान होता है 2qa हो गया 2qa होता है बस यहाँ हम क्या है इसके स्थान पर 2qa के वैल्यू के स्थान पर हम क्या है पी वैल्यू को है पुट कर देंगे ओके जैसा कि अपने क्या है अच्छी स्थिति वाले में भी मैंने आपको बताया ओके अब यहाँ भी हम मान लेते हैं जो हमारा ए यानी विद्युत ध्रुव है बहुत ज़्यादा छोटा है तो ए की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम होगी मतलब इसे हम क्या छोड़ देंगे तो यही लिख दिया है ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेस देन है किससे आर की तुलना में इसलिए A² की हम क्या है उपेक्षा की जा सकती है तो A² के हम यहाँ गायब कर देंगे इस समीकरण से ओके तो फिर हमारे यहाँ से ये रिजल्ट निकल आता है यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तुम्हारा आर क्यू बचता है ओके तो ये हमारा आ जाता है आंसर ओके अगर सदिश रूप में लिखना है तो बस हम क्या है ई क्यू पर
वेक्टर लगाएंगे, पी के विपरीत वेक्टर लगाएंगे। तो ये दोस्तों हमारी निकल के आ जाती है क्या, निरक्षी स्थिति में किसी भी विद्युत ध्रुव के पर क्या है, किसी भी बिंदु पर निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है गॉस की प्रमेय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गॉस की प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसे हम गॉस की प्रमेय समझ लेते हैं। इसमें बाकी इसमें रूम में आपका दिया हुआ है, ओके, बाकी मैं आपकी भाषा में दिखाता हूँ तो उससे आप क्या है नोट कर लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको गॉस की प्रमेय को याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट एक वाक्य में या अति लघु उत्तरी पूछ लिया जाता है गॉस की प्रमेय लिखिए, तो पहले तो गॉस की प्रमेय आपको याद होनी चाहिए कि गॉस की प्रमेय है क्या। तो किसी भी बंद प्रश्न के लिए, जो भी ये गॉस की प्रमेय है वो बंद प्रश्न के लिए लागू होती है। ओके, तो किसी बंद प्रश्न के लिए गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद प्रश्न के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का क्या है, 1/ε0 गुना होता है, ये होता है आपका, ये दिया है गॉस की प्रमेय। ओके, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, अब विद्युत फ्लक्स क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अब यहाँ जहाँ आपको फिर ये आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, यहाँ अगर क्या है निर्वात की जो आपकी आपकी ε0 है, ये क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। ओके, तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है, आपका ये जो चिन्ह आपको दर्शा रहा है इसका मतलब होता है कुल विद्युत फ्लक्स आपको दर्शा रहा है। ओके, Q/ε0 गुना हो जाएगा आपका। ओके, Q/ε0 आपका हो जाएगा। ओके, अब इसका हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमें क्या है निकालना है। ओके, तो गणितीय व्याख्या देख लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा हुआ है, यहाँ हम गोला लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है, बंद प्रश्न लेना है। ओके, तो हमें यहाँ इस प्रकार से बंद प्रश्न को इस प्रकार से गोला ले लिया है जिसका केंद्र O है, कौन और केंद्र पर कौन सा आवेश रखा, क्यू आवेश रखा हुआ। ओके, और इसकी त्रिज्या क्या है इस गोले की, आर त्रिज्या हमने मान ली है। ओके, इस प्रकार से तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P, तो कोई भी ऐसे पृष्ठ पर कोई बिंदु अगर P स्थित है, ओके, इस प्रकार से हम बिंदु P मान लेते इस प्रकार से। ओके, P पर क्या है तीव्रता में क्या है निकालनी है, तो इसका जो तीव्रता हो जाएगी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला होता है तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/ आपका 1/4πε0 Q/r² ये होता है। ओके, ये हमने लिख लिया है। अब बंद पृष्ठ के एक अल्पांश लेते हैं, देखिए इसमें फंडा क्या होने वाला है, क्योंकि हमें क्या है ये पूरे गोले की क्या है, पूरे गोले की है विद्युत क्षेत्र की, पूरे गोले में हमें क्या निकालना है, कुल हमें क्या है विद्युत फ्लक्स निकालना है पूरे गोले के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे पूरे गोले की निकाल के सबसे पहले क्या करेंगे, एक अल्पांश लेंगे, कोई एक हम क्या अल्पांश यहाँ ले लेते हैं इस प्रकार का, और एक अल्पांश का निकाल लेंगे, फिर हम क्या है उस अल्पांश का क्या समाकलन कर दी, समाकलन यानी क्या है टोटल का हम समाकलन कर देते हैं, हमारा पूरा टोटल का निकल आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले अल्पांश लेंगे। ओके, तो बंद पृष्ठ का एक अल्पांश यहाँ डीएस ले लेते हैं हम, की कल्पना करते हैं जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये होता है ई आपका डीएस। ओके, यहाँ से डीएस का अगर हम पूरा समाकलन करते हैं तो ई डीएस कॉस थीटा आता है, तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या है जीरो हो जाएगी। ओके, तो कॉस थीटा का मान यहाँ हो जाएगा जीरो। ओके, ओके, थीटा की वैल्यू हमें क्या लेनी, जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो आ जाता है, कॉस जीरो का मानो एक होता है, तो हमारा आंसर क्या आता है ई डी एस आता है। ओके, अब इसका हम जो क्या है जो समीकरण एक में हम इसका मान रख देंगे। ओके, समीकरण एक अगर एक में हम इसका मान रख देते हैं ई का मतलब जो वैल्यू हमने निकाली है समीकरण एक में वो हमने पुट कर दी। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारा निकाला अल्पांश के लिए निकाला है, लेकिन हमें तो चाहिए पूरे गोले के लिए। ओके, पूरे गोले में कितना विद्युत फ्लक्स है, उसके लिए हम क्या है इस अल्पांश का क्या है समाकलन कर देंगे। ओके, तो अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या है समाकलन कर देंगे, दोनों के हम क्या है समाकलन करते हैं। ओके, समाकलन करेंगे तो हमारा आपका आ गया फाइव आपका आ जाता है। ओके, यहाँ जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1/4πε0, ये आपका क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये बाहर निकल आएगा। ओके, आपका Q/r² भी बाहर निकल आएगा, केवल जो आपका समाकलन होगा डी एस का होगा। ओके, अब यहाँ जो डी एस है, ओके, ये हमारा क्या है, ये 4πr² हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम 4πr² रखेंगे, क्योंकि ये क्या है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ओके, ये गोले का क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसकी वैल्यू स्थान पर हम क्या लिख देंगे 4πr² रख देंगे। ओके, बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² चला जाएगा। ओके, बचेगा क्या हमारा ऊपर q बचेगा, नीचे ε0 बचेगा, जो कि हमारा निकल आता है, और ये हमारा क्या है यही क्या है हमारी गाउस का प्रमेय है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है गॉस प्रमेय का द्वारा आपको क्या है कूलाम के आपको व्युत्क्रम नियम का आपको क्या है निगमित करना है। ओके, तो बाकी ये क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसके द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात कीजिए। ओके, बाकी हम देख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय से हम कूलाम का नियम पहले कैसे निकाल लें। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे पहले हम समझ लेते हैं कि गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलाम के नियम की स्थापना कैसे करनी होगी। ओके, तो पहले क्या क्या मटेरियल लिखना है, तो पहले जो चित्र में हम बनाते हैं समझाते हैं वो उसको हमें बताना पड़ता है कि हमने क्या माना है। ओके, क्या हमें ज्ञात करना है वो समझाना है, उसके बाद हमें क्या है सॉल्व करना है। ओके, तो माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है इस प्रकार से। ओके, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, गोला का गाउसी पृष्ठ की भांति क्या कार्य करेगा, क्योंकि हमें गाउस के नियम का प्रयोग करना है, तो ये जो गोला है उसको हमें मान लिया है
कि गाउसी पृष्ठ के रूप में क्या है कार्य करेगा। ओके, फिर इसके बाद हम क्या है गाउसी पृष्ठ पर हम क्या है यहाँ अल्पांश लेते हैं। ओके, जब हमने गाउस की प्रमेय पढ़ी थी तो समझ गए थे किस प्रकार से अल्पांश लिया था। ओके, अल्पांश की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या है अनुदिश होगी और इसका जो कोण बनेगा वो क्या है थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री होगा। ओके, अब अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो विद्युत फ्लक्स का क्या होता है फॉर्मूला EDS होता है, यहाँ का EDS cos थीटा होता है। ओके, थीटा के वैल्यू हम क्या है 0 रखेंगे और cos 0 का मान होता है 1 तो हमारे ये आ जाएगा। ओके, हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो इस प्रकार से हमारा होगा गॉस की प्रमेय पूरा मतलब यहाँ गॉस की प्रमेय हमने लिखा हुआ। ओके, गॉस की प्रमेय का यूज करना है तो गॉस की प्रमेय हमें निकालना है जिस प्रकार से हमने क्या है पहले पढ़ चुका है तो हमारे इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ओके, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो क्या हम दोनों ओर क्या है समाकलन कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा जिसमें EMR क्या है बाहर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ जो हमारे इसकी वैल्यू है इसको हम क्या है जो आपके DS की वैल्यू है 4πr² रखेंगे क्योंकि जो 4πr² है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो DS हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ओके, तो बस इसको हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। बस अब गॉस की प्रमेय क्या होती है गॉस की प्रमेय हमारी ये होती है क्योंकि इसका प्रयोग करना है तो गॉस की प्रमेय हम जानते हैं। ओके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, बस इसकी हम तुलना करते हैं समीकरण 1 और 2 को देखिए तो इस सर के बराबर है तो ये भी हमारे इस सर के बराबर हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से और बस यहाँ से हम क्या है इसके यहाँ से इसको क्या कर देंगे आपका ये आपका गुणा में सट जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो इस प्रकार से आ जाता है। ओके, अब यदि हम बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश है Q0 रखें तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा तो लगने वाला बल होगा Q0E हो जाएगा। ओके, अब ये की वैल्यू जो है हमारे इसमें पुट कर देंगे तो यही हमारा ये हमारे इसमें आ जाता है और यही हमारा क्या है कूलाम का नियम है। ओके, इसी प्रकार ओके तो इस प्रकार से हमें क्या चाहिए था गॉस के नियम का प्रयोग करके हमें कूलाम का नियम निकालना था जो कि हमने निकाल लिया। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, सभी क्वेश्चन बताए उन्हें तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।